हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लक्ष्मी कुकिंग में। आज हम एक करी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरी चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक करी। एक करी बनाने के लिए मैं यहाँ से ये सब इंग्रेडिएंट्स ले रखी हूँ। यहाँ पे मैं 6 अंडे ले रही हूँ और उसके साथ में 1 मीडियम साइज का प्याज ले रही हूँ, 3 टमाटर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके साथ 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चिकन मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। इसमें से खड़े मसाला में मैं 2 टुकड़ा दालचीनी और लौंग 4, और ब्लैक पेपर मैं 4-5 ले रखी हूँ, और तेज पत्ता। उसके साथ मैं 2 चम्मच लिया हूँ कर्ड। कर्ड के साथ लहसुन 8-10 कलियाँ और 1 इंच का अदरक। तो आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, चिकन मसाला में फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम एक बाउल लेके उसमें हम पूरे अंडे को फोड़ के उसमें से डाल देंगे। मैं पूरे अंडे को डाल रही हूँ, देखिए फोड़ के, और मुझे ये अंडे को फोड़ के ही बनाना है एक करी। तो यहाँ पे मैं पूरे अंडे को फोड़ दिया हूँ। अभी मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के पूरे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं डालूँगी उसमें से थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अभी मैं एक कढ़ाई गैस में चढ़ा दे रही हूँ और उसमें से 1 ग्लास जैसे पानी डाल रही हूँ, उसमें एक स्टैंड लगा के मैं कवर कर रही हूँ, जो कि पानी को उबाल आने के लिए देंगे हम, क्योंकि मुझे एक को बॉयल करना है। तो मैं यहाँ पे एक केक टिन ले रही हूँ, केक टिन में ग्रीस कर लूँगी ऑयल डाल के। आपके पास केक टिन नहीं है तो आप टिफिन में भी बना सकते हैं या फिर छोटा वाला कटोरा में भी बना सकते हैं, ये किसी में भी बना के सब्जी बना सकते हैं। मेरे पास ये केक टिन था तो मैं ये केक टिन में बना रही हूँ, और अच्छे से मैं यहाँ पे ऑयल डाल के ग्रीस कर रही हूँ। देखिए अभी मैं अंडे को डाल रही हूँ, अभी पानी भी अच्छे से बॉयल हो गया है। देखिए उसके अंदर हम ये केक टिन को बिठा देंगे और 15 मिनट्स के लिए हम कवर करके रख देंगे। तो ये एग अच्छे से बॉयल हो जाएगा, देखिए ये एग पूरा केक के जैसे ही बॉयल हो गया है। अभी हम स्टिक लगा के देखेंगे, देखिए ये एग अच्छे से हो गया है। तो अभी हम एग को निकाल लेंगे। देखिए मैं निकाल के केक टिन से भी निकाल लिया हूँ, और अभी हम ये एग को छोटा छोटा पीसेस करेंगे, जैसे कि पनीर को पीसेस करते हैं और करी बनाते हैं, वैसे ही हम पीसेस कर लेंगे। और ऐसे एक करी बनाने से बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, और इसको आप राइस या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और आपकी मर्जी के हिसाब से, मतलब आपकी पसंद के हिसाब से आप छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। और अभी हो गया है पीसेस, अभी थोड़ा ऑयल दे रही हूँ क्योंकि ये पीसेस को हमको फ्राई भी करना है, तो मैं फ्राई कर रही हूँ इसीलिए थोड़ा ऑयल डाल दिया हूँ। ऑयल गरम हो गया है, अभी मैं पीसेस को छोड़ रही हूँ। हम पहले से नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाले हैं, इसीलिए अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही फ्राई कर लेंगे इसको, जैसे कि 1 मिनट या 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा जैसे कि फ्राई होने के बाद रेड कलर जैसा लग
होता है वैसे रेड कलर कर लेंगे फ्राई करके। अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं फ्राई करेंगे इसको। फ्राई हो गया है, थोड़ा सा लाइट रेड कलर आ गया है। मैं एक दूसरी कढ़ाई ले रही हूँ, अभी उसमें ऑयल दे रही हूँ, ऑयल को गर्म होने के लिए देंगे। अभी मैं खड़ा मसाला डाल रही हूँ उसमें। खड़ा मसाला फ्राई हो गया है, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं उसमें प्याज को डाल रही हूँ। प्याज को पूरा बारीक चॉप करी हूँ तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ अभी। उसमें अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ एक चम्मच, तो उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई होना चाहिए, क्योंकि ये कांच जैसे कि कांचापन का स्मेल चले जाए। तो अभी मैं टमाटो, तीन टमाटो को भी बारीक चॉप कर लिया हूँ, उसको डाल रही हूँ। और टमाटो को भी उसमें से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर जैसे अच्छे से गल जाए वैसे ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से अच्छे से टमाटर गल जाएगा और जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो अभी कवर कर लेंगे। अभी हल्दी डालेंगे, उसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, उसके साथ हम चिकन मसाला डालेंगे अभी, और उसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे पूरे मसाला को। अभी बाकी का नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए टमाटर पूरा गल गया है। अभी थोड़े टाइम के लिए फिर से हम कवर लगा देंगे और अच्छे से मिक्स होने के लिए देंगे। अभी हम उसमें कर्ड को डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कर्ड मिलाने से भी सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए कर्ड मिला दिया हूँ और अच्छे से फ्राई भी हो गया है। देखिए ऑयल भी छूट रहा है, मसाला फ्राई हो गया है। कैसे पता चलेगा? जैसे कि ऑयल छूटेगा, मसाला और ऑयल पूरा अलग अलग हो जाएगा, तभी जाके हमको पता चल जाएगा कि मसाला रेडी हो गया है। देखिए मसाला फ्राई हो गया है और पूरे अच्छे से। अभी हम उसमें पानी डालेंगे। ये है मसाला पानी था, मसाला पानी को मैं पहले डाल रही हूँ। फिर एक कप जैसे हम पानी डालेंगे उसमें। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा चटपटा चाहिए क्योंकि मैं चटपटा ही बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम ही पानी डाल रही हूँ। और पानी को बॉयल होने के लिए देंगे। पानी बॉयल हो गया है, अभी देखिए मसाला और पानी पूरा मिल गया है। अभी हम अंडे को छोड़ रहे हैं, तो ये अंडे को हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। अभी गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अभी कवर लगा के हम छोड़ देंगे। देखिए अंडा मतलब एक करी जो कि अंडा सब्जी अच्छे से रेडी हो गया है। उसके ऊपर मैं धनिया पत्ता और कस्तूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। धनिया पत्ता भी डाल दिया हूँ और गैस को ऑफ करके हम थोड़ा टाइम के लिए कवर लगा देंगे। तो अभी रेडी हो गया है, मैं सर्व कर लिया हूँ। देखिए ये एक करी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा टेस्ट भी है और खाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए घर पे, और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।
आज के लिए वीडियो इतना ही है, बस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।